दोस्तों जल्दी से अपने चैनल आवरग्रुप जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एम्बिशन ऐसे यहाँ तक पढ़ लिया था। हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एम्बिशन ऐसे WR INC का है। हमने बेसिक पहले थोड़ा सा जाना WR INC क्या है, कौन थे, मतलब किस तरह के राइटर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री जानी थोड़ी सी। उसके बाद हमने ऐसे स्टार्ट किया एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा। तो ऐसे में लॉर्ड कर्जन को लेके स्टार्ट किया है कि लॉर्ड कर्जन बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और वो बाकी कुलीन समाज जो है ना एरिस्टोक्रेट्स उनके जैसे नहीं थे। मतलब ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, बल्कि कुलीन समाज इतना महत्वाकांक्षी नहीं होता है। इनको प्राइम मिनिस्टर बनना था पर ये बन नहीं पाए। इस तरह से और भी कैसे उदाहरण दिए उन्होंने। और फिर हम ऐसे में आगे बढ़े हैं, अभी देखो यहाँ पर हम आ गए हैं कि जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने बताया कि दुनिया में जो 9/10 काम है ना, यानी 10 में से 9 काम वर्ल्ड में वो एम्बिशन के द्वारा होते हैं। मतलब जो आदमी महत्वाकांक्षी है ना, महत्वाकांक्षा के द्वारा ही काम पूरे हो पाते हैं। अगर आदमी महत्वाकांक्षी नहीं है ना तो फिर वो काम कर भी नहीं पाएगा, ये वो कहना चाहते हैं। तो देखो, द मैन हु रिगार्ड्स हिज वर्क एज प्ले एंड दिस इज द वे टू प्रोसीड इन लाइफ एंड टू बी हैप्पी नियरली ऑलवेज प्लेस टू विन। अब देखो यहाँ से ऐसे का बोल सकते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है एक्चुअल में ऐसे किस बारे में। तो देखो यहाँ से मोरालिटी स्टार्ट होती है कि राइटर कहना क्या चाहते हैं। जो आदमी द मैन हु रिगार्ड्स हिज वर्क एज हिज प्ले, जो आदमी अपने काम को खेल की तरह लेता है, यानी काम को कैसे लेता है, खेल की तरह, जैसे वो खेल खेल रहा है। एंड दिस इज द वे टू सक्सीड इन लाइफ एंड टू बी हैप्पी, और यही तरीका है जिससे वह जीवन में सक्सेसफुल भी हो सकता है, साथ में खुश भी रह सकता है। दोनों काम, अगर वो अपने खेल मतलब अपने काम को खेल की तरह लेगा ना, तो वो उसमें सक्सेसफुल भी होगा प्लस खुश भी रहेगा। नियरली ऑलवेज प्लेस टू विन, क्यों? क्योंकि देखो जो आदमी अपने काम को खेल की तरह लेता है, मतलब ठीक है, सपोज आपको कोई काम है, अगर आपने अपने सारे कामों को गेम्स की तरह ले लिया कि भाई ये मैं खेल खेल रहा हूँ, तो अब काम तो पूरे आपको करने हैं। आपको काम में जो आपका गोल है, टारगेट है, वो तो अचीव करना है, तो आप काम को जीतने की कोशिश भी करोगे। जब उसे खेल की तरह लोगे तो फिर जीतने की कोशिश भी करोगे, क्योंकि अगर सिर्फ कैजुअली लोगे कि हाँ खेल ही तो है, सिर्फ मतलब इतना कैजुअल लोगे कि आपको जीतने हारने से कोई परवाह नहीं है, तो फिर तब तो बात ही अलग है। मतलब उसमें तो आपके इंटेंट ही नहीं है, आपकी कोशिश ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है। परंतु अगर आप एक सीरियसली हर काम को खेल की तरह लोगे, तो हर काम को खेल की तरह लोगे तो इसका मतलब है फिर आप उस काम में जीतना भी चाहोगे, मतलब उस काम को अचीव भी करना चाहोगे, पूरा भी करना चाहोगे, उस टारगेट को अचीव भी करना चाहोगे। तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर एक आदमी जो हर अपने काम को खेल की तरह लेता है ना, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल भी होता है, खुश भी रहता है, क्योंकि वो एक तो जीतता, हमेशा जीतने के लिए खेलता है, ऑलवेज प्लेस टू विन, एंड देर इज नो रीजन वाई ही शुड नॉट प्ले फेयरली एंड गुड ह्यूमनली। और मतलब जो लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई वो तो सिर्फ गेम के लिए ले रहा है, तो क्या पता वो इतनी लगन से ना खेले, ईमानदारी से ना खेले, गुड ह्यूमनली एंड नॉट प्ले फेयरली, मतलब क्या पता वो लगन से ना खेले और ईमानदारी से ना खेले। परंतु तो ऐसा नहीं होता है, जो अपने सारे काम को खेल की तरह लेगा ऐसे उसका फिर कोई काम ही पूरा नहीं होगा, अगर वो लगन से नहीं खेलेगा तो, है ना। दो चीज़ें, एक तो आप काम को काम की तरह लेते हो, ठीक है, आप काम को काम की तरह लोगे, बहुत सीरियसली रहोगे और आप काम को जो आपका गोल है, टारगेट है, वो प्राप्त करने की कोशिश करोगे, एक तरफ से ये बात होगी। एक आप अपने हर काम को खेल की तरह लोगे, तो स्टिल आप जितने स्टिल गोल तो आप कोशिश करोगे ना कि मुझे जो ये काम है वो पूरा होना चाहिए, भले ही उसे खेल की तरह ले रहे हो आप, परंतु जितने कोशिश तो करोगे उस काम को, यानी कि उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश तो करोगे ही करोगे आप। परंतु खेल की तरह लेने से क्या होता है, आप उसे एंजॉय भी कर पाओगे। गेम की मतलब उस काम में आप पूरी तरह घुस नहीं जाओगे। स्टार्टिंग में जो मैंने थॉट बताया था ना, वो लैसिडस का जो था, मिल्टन की पोएम है, उसमें उसने यही तो बोला है कि बहुत बार लोग क्या होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए काम को एंजॉय नहीं करते, वो उसमें इतना खो जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वो एंजॉय नहीं कर पाते उसको। तो वही बात है कि अगर काम को खेल की तरह लोगे ना, तो आप उसे एंजॉय भी करोगे। देखो, द स्ट्रगल इज रियली द प्राइज एज इट इज इन एवरी गेम दैट इज वर्थ प्लेइंग। देखो संघर्ष है ना, वही इनाम है। अगर आप किसी खेल को मतलब किसी काम को खेल की तरह लेते हो ना, तो उसमें आपने जो जीतने की कोशिश करी है ना, जो संघर्ष किया है, वही आपका इनाम है, क्योंकि एज इट इज इन एवरी गेम दैट इज वर्थ प्लेइंग। क्योंकि आप सारे काम को खेल की तरह लोगे, हर काम को खेल की तरह लोगे, तो आप हर काम को पूरा करने के लिए खेल को जीतने की कोशिश भी करोगे, तो हर गेम आपके लिए वर्थ प्लेइंग हो जाएगा। यानी प्रत्येक काम, क्योंकि आपको कंप्लीट करना है, तो वो हर गेम आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्थ प्लेइंग होगा। भाई हाँ, मुझे तो खेलना ही खेलना है, इसे खेलना ही भी इंपॉर्टेंट है। रीजन उसके दूसरा ये भी है, देखो स्ट्रगल, क्योंकि अगर आप ये पाते होगी, आपने वो कहावत सुनी होगी कि मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं है, एक्चुअल में मंजिल के बीच में जो रास्ता तय किया ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रास्ता आपको सिखाता है कि आप लाइफ में क्या क्या नई चीज सीखते हो। मतलब उस मंजिल तक पहुंच गए वो अलग बात है, टारगेट अचीव हो गया, दैट्स ए डिफरेंट थिंग एंड गुड थिंग, परंतु
टारगेट अचीव हुआ कैसे, कई बार टारगेट अचीव नहीं होता है तो वो हमको सिखाता है हमने क्या गलतियां करी हमने, और साथ में उस मंजिल उस टारगेट तक पहुंचने तक की जर्नी होती है ना, सुख दुख स्ट्रगल संघर्ष सब चीजों भरी होती है। तो आपको सारे सेंसेस आपकी सारी इंद्रियां एकदम जागृत हो जाती है, आप सब फील करते हो, आप सब कुछ उस जर्नी में झेल लेते हो कि हाँ सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, अड़चने क्या होती है, अड़चनों को पार पाना क्या होता है, ये सब चीजें। इसलिए स्ट्रगल संघर्ष करना उस यात्रा को तय करना वही इनाम है। और इस तरह अगर आप इस चीज को ऐसे लोगे ना कि गेम खेलना जरूरी है, ठीक है जीतने के लिए खेलोगे बिल्कुल सही बात है जीतने खेलोगे, परंतु अगर जीतते भी नहीं हो ना तो उसके बीच में जो आपने प्रयास किया है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप फिर हर गेम को खेलने के लिए खेलोगे, एक्चुअल में एवरी गेम दैट इज वर्थ प्लेइंग, आप हर गेम को खेलने के लिए खेलोगे, ठीक है जीतने के लिए खेलोगे खेलोगे परंतु उस स्ट्रगल के भी खेलोगे कि वो स्ट्रगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे वो यात्रा भी फील करनी है। समझ में आ रही बात क्या हो रही है कि जर्नी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना टारगेट है। वन ऑफ द डेंजर्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन इट सीम्स टू मी इज दैट वी हैव ए लार्ज अनएम्बिशियस क्लास। अब देखो राइटर बोल रहा है कि बहुत से ऐसे खतरे हैं हमारी सभ्यता के ऊपर, है ना, बहुत से खतरे हैं डेंजर्स हैं हमारी सभ्यता के ऊपर, परंतु इट सीम्स टू मी दैट वी हैव ए लार्ज अनएम्बिशियस क्लास, परंतु जो खतरा इनको बहुत बड़ा लगता है वो ये है कि भाई हमारे पास में एक बहुत बड़ी अनएम्बिशियस क्लास है, मतलब ऐसे लोगों का वर्ग है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जो महत्वाकांक्षी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। Who only work for their wages. तो देखो ऐसे अनएम्बिशियस लोग सिर्फ रोजमर्रा के मतलब भत्ते के लिए काम करते हैं, मतलब वो उनका बहुत बड़ा कोई गोल ही नहीं होता, वो इतने महत्वाकांक्षी होते नहीं कि लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना है, वो सिर्फ इतना होता है कि भाई आज का मेरा आज का जीवन बीतने आज का दिन बीतने की दो टाइम की रोटी मिल जाए, तीन टाइम की रोटी मिल जाए, इतना काम हो जाए बस मैं इसमें खुश हूँ। मतलब ज्यादातर लोग आजकल ऐसे हो गए हैं ये सोच डेली भत्ते कि आज का मुझे इतना मिल जाए बस खुश हूँ, वो ऐसे के लिए काम करते हैं, मतलब ऐसा जीवन जीते हैं। एंड हैव नो थॉट बियॉन्ड अम्यूजमेंट, और उनका एक्चुअल में कोई विचार ही नहीं होता, डेली रोजमर्रा के दिन में जितना अम्यूजमेंट जितना आनंद मिल जाए ठीक है ओके दैट्स फाइन, वो इतना ही सोच के बैठ जाते हैं, वो लाइफ में कोई आगे विचार ही नहीं रखते कि क्या करना है। आई डू नॉट से इट इज देयर फॉल्ट, मैं नहीं कहता ये उनकी गलती है, द प्राइज मे बी ऑब्वियसली आउट ऑफ देयर, हो सकता है कि जो टारगेट हो वो उनकी पहुंच से ही बाहर हो। ऐसा उदाहरण आप उन लोगों के लिए दे सकते हो, गरीब तबके जो होते हैं ना जिनके पास संसाधन नहीं होते बेचारों के पास, मतलब पैसे वगैरह धन दौलत बहुत चीजें होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है, कई बार आपको पढ़ाई करनी है, चलो एजुकेशन में स्टार्ट में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में फ्री दे दी एजुकेशन, वहां तक ठीक है, परंतु मान लो कोई खेलकूद में अच्छा है, उसको क्रिकेटर बनना है कुछ भी बनना है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, संसाधन नहीं होंगे तो कहां से वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती होगा, ट्रेनिंग कैंप वगैरह बहुत चीज होती है ना, तो संसाधन होना बहुत जरूरी है। तो ये राइटर बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये नहीं कहता ये उनकी गलती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो टारगेट अगर मान लो कुछ वो हायर सोचें कुछ आगे करने का सोचे भी तो वो उनकी पहुंच से ऑब्वियसली बाहर होता है, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते, वो समाज को बिलोंग करते हैं जिसमें संसाधनों की कमी है उन लोगों के पास में, गरीब तबके निचले तबके, है ना। बट इफ सोशलिज्म किल्स एम्बिशन एज इट थ्रेटन्स टू डू वी शैल सून बी ऑन द डाउनग्रेड, पर फिर वो बोल रहे हैं लेकिन जो समाजवाद है ना सोशलिज्म समाजवाद वो मार देता है एम्बिशन को। समाजवाद क्या होता है, देखो समाजवाद का जो सिद्धांत है ना उसमें यह होता है कि समाज के सभी लोगों को सभी वर्गों को बराबर पे लाने की कोशिश की जाती है, कोई अमीर गरीब ना हो उनके बीच में डिफरेंस खत्म हो जाए, सब लगभग लगभग सेम लेवल पर हो, तो समाजवाद एम्बिशन को मार देता है एज इट थ्रेटन्स डू, ये मतलब खतरा है एक्चुअल में एम्बिशन को मारने के ऊपर। वी शैल सून बी ऑन द डाउन ग्रेड, हम धीरे ही बहुत जल्दी अनएम्बिशियस लोगों से भर जाएंगे, मतलब हम नीचे गिरते जाएंगे। ऐसा क्यों है, देखो सोशलिज्म में जैसे मैंने बताया सब बराबर लाने की कोशिश की जाती है, परंतु एक्चुअल में सोशलिज्म का देखो कॉन्सेप्ट ये होता है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट किसी को पता हो तो, देखो ऐसा होता है कि मान लो किसी के पास में बहुत 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है साल के, तो सरकार ऐसा इंश्योर करती है कि मान लो जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उससे इतना टैक्स लेगी और उस पैसे को ट्रांसफर करेगी उन गरीब लोगों के पास में जिनके पास में पैसे कम है, तो इस तरह से उस 1 करोड़ वाले को तो नीचे ले आएंगे, जिसने ज्यादा कमाया है उससे पैसे एक तरह से ले लेंगे और दूसरे लोगों में बांट देंगे, इस तरह सबको बराबर पे ले आएंगे, यानी कि ज्यादा कमाने वाले से पैसे लेके कम कमाने वाले गरीब लोगों में बांट दिए जाएंगे। तो होता क्या है, सोशलिज्म इस तरह से एम्बिशन को मार देता है, क्यों, क्योंकि जो ज्यादा कमा रहा है उसके वो सोचेगा भाई मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं है, मेरे पैसे तो ले लिए जाते हैं, वो तो सब वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं बाकी लोगों में, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं क्यों ऊंचे टारगेट सेट करूं, है ना, मैं क्यों ज्यादा कमाऊं, फिर उसके उसको मतलब एनकरेजमेंट ही नहीं मिलेगा, उसको एक तरह से प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा कुछ ज्यादा काम करने का, कुछ ज्यादा ऊंचा सोचने का, वो महत्वाकांक्षी नहीं रहेगा, इस तरह से सोशलिज्म मार देता है।
एम्बिशन को। एक तरफ सोशलिज्म होता है, एक तरफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवादी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है, हर इंसान को मतलब फ्री मार्केट दिया जाता है, भाई तू जितना कमा सकता है कमा ले। कैपिटलिज्म पूंजीवादी में ये होता है कि कोई रोक टोक नहीं होती, इंसान जितना अचीव कर सकता है खुद अपने लेवल पे कर सकता है। मतलब पूंजीवादी मतलब वही पूंजी इकट्ठा करना। कैपिटलिज्म सोशलिज्म ये सब थ्योरीज पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ी होगी। तो कैपिटलिज्म में इंसान कितना भी अमीर हो सकता है, सोशलिज्म में सरकार कंट्रोल करती है, एक्चुअल में ज्यादा पैसे वालों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे बेसिकली पहले रशिया में ही कंसेप्ट लाया गया था, परंतु ऐसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं सीधा तो अप्लाई नहीं हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट टैक्स के रूप में जरूर अप्लाई करती है कुछ हद तक, कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसी। इंडिया में भी मिक्स है सिस्टम, थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म थोड़ा थोड़ा कैपिटलिज्म मिक्स हो गया एक्चुअल में, है ना। तो वैसे चीज है, तो सोशलिज्म इस तरह से एम्बिशन को मार देता है, ठीक है। एज द एम्परर टिबेरियस सैड व्हेन ही वाज आस्क्ड टू इंक्रीज डोल्स एंड पेंशंस। एम्परर टिबेरियस जो थे ना, पुराने एंशियंट ग्रीस के एम्परर मतलब राजा, इन्होंने कहा एक्चुअल में एक बार कि जब इनसे पूछा गया, व्हेन ही वाज आस्क्ड टू डोल्स एंड पेंशंस इंक्रीज करने के लिए, यानी कि बोलते हैं ना पेंशन बढ़ा दो गरीब लोगों की, या फिर मतलब रिटायर्ड लोगों की पेंशन बढ़ा दो, या डोल्स यानी रेवड़ियाँ, यानी जो फ्री में चीज़ें बांटी जाती हैं लोगों को, जैसे सरकार नहीं बांटती है, मतलब नेता वगैरह बांटते हैं वैसे अक्सर, मतलब गवर्नमेंट और जो पार्टीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कि आपको इतना फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे। जब भी चुनाव आता है उससे पहले अपना मैनिफेस्टो निकालती हैं वो, कि हम ये करेंगे ये देंगे आपको, तो वो सब डोल्स होती हैं, डोल्स बोलते हैं। तो पेंशन या डोल्स देने की जब बढ़ाने की बात हुई एम्परर टिबरस के सामने, प्राचीन काल की बात बता रहे हैं, कि एम्परर टिबरस के सामने बोला गया कि लोगों की पेंशन बढ़ा दो, डोल्स बढ़ा दो, तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री विल लैंग्विश एंड लेजीनेस विल इंक्रीज। कि भाई अगर ये काम कर दिया जाएगा ना तो सब आलसी हो जाएंगे, इंडस्ट्री जो काम धंधा है ना वो आलसी हो जाएंगे, लैंग्विश वो धीमा पड़ जाएगा और लेजीनेस इंक्रीज हो, आलस बढ़ जाएगा। इफ नो वन हैज एनीथिंग टू होप और फियर फ्रॉम हिमसेल्फ, अगर किसी के पास में कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी या डर ही नहीं बचेगा, यानी कि सबको फ्री में चीजें मिल रही हैं, तुम फ्री में ये ले लो, बिजली ले लो, पानी ले लो, दवा ले लो, दारू ले लो, सब चीजें फ्री में दे रहे हैं, जब तो लोग मेहनत क्यों करेंगे। लोगों के पास में जब तक एक्चुअल में कुछ खोने का या फिर कोई उम्मीद का डर ही नहीं होगा। सपोज गवर्नमेंट फ्री में नहीं दे रही है तो लोगों को उम्मीद, यार मुझे कमाना है, मुझे वो प्राप्त करना है ना, मैं कैसे करूँ, है ना। उसको एक तरह से होप तो रखनी पड़ेगी, मुझे काम करना है, एक तरह से डर भी रहेगा कि मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे पास खाने का पैसा कहाँ आएगा, घर चलाने का पैसा कहाँ से आएगा, तो ये चीज उसके डर भी रहेगा, तो उसकी होप और उसका जो फियर है ना वो उसमें डेवलप ही नहीं हो पाएगा अगर सब कुछ फ्री में मिलता रहेगा उसको तो, ठीक है। और इस तरह से कोई मेहनत करेगा नहीं, तो इसलिए एम्परर टिबरस ने ये बढ़ाने से मना किया था। ऑल विल लुक फॉर हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, सबके सब मदद मांगेंगे दूसरों से, जैसे सरकार फ्री में दे रही है तो सबके सब एक्सपेक्ट करेंगे, क्या करेंगे काम करके, सरकार देती तो है ना फ्री में, तो सबके सब ऐसे दूसरों से हेल्प करने की उम्मीद रखेंगे। आइडल देमसेल्स, और खुद को आलस में डुबोलेंगे, एंड बर्डन टू अस, और इस तरह से वो हम पे बोझ बन जाएंगे। ये राजा ने बोला था, अगर मैं पेंशन डोल्स बढ़ाता हूँ तो सब आलस में डूब जाएंगे, कोई मेहनत नहीं करेगा, किसी को होप या फियर का डर नहीं रहेगा, मतलब कुछ खोने पाने का डर नहीं रहेगा, और सबके सब दूसरों पे निर्भर हो जाएंगे, दूसरों से उम्मीद करेंगे मदद की, और सबके सब पूरे समाज पे या पूरे राज्य पे क्या हो जाएंगे, बर्डन, बोझ बन जाएंगे। इज द एवरेज सक्सेसफुल मैन एम्बिशियस, अब आगे राइटर बोल रहे हैं, क्या एक औसत मतलब एवरेज सक्सेसफुल मैन एम्बिशियस, क्या एक औसत कामयाब व्यक्ति एम्बिशियस होता है, यानी महत्वाकांक्षी होता है कैसे। देखो, सम ग्रेट मैन आर मिस्टीरियस, कुछ महान व्यक्ति रहे हैं जो कि रहस्यमय रहे हैं, अंटिल वी नो वाई शेक्सपियर नॉक्ड ऑफ राइटिंग प्लेज एट 47, जब तक कि हमें ये नहीं पता हो कि विलियम शेक्सपियर ने नॉक्ड ऑफ राइटिंग प्लेज एट 47, 47 की उम्र में उन्होंने राइटिंग प्ले लिखना नाटक मतलब लिखना बंद क्यों कर दिया था। शेक्सपियर ने काफी अर्ली एज में मतलब 47 की एज में, जैसे बताया कि इतना एज में लगभग प्लेज लिखना कम कर दिया था, बंद कर दिया था, तो वो जब तक हमें ये नहीं पता चलता उन्होंने क्यों कर दिया था बंद, व्हेन ही वाज एट द हाइट ऑफ जीनियस, जबकि वो तो उस वक्त अपनी जीनियस के हाइट पे थे, मतलब अपनी राइटिंग के टॉप पे थे, सबसे अच्छा लिख रहे थे उस वक्त वो। वी शैल नेवर बी एबल टू से वेदर ही वाज एम्बिशियस और इमॉर्टल फेम, ऑफ इमॉर्टल फेम, तो हम ये कभी नहीं बता सकते कि वो इतने महत्वाकांक्षी थे क्या, किसके, इमॉर्टल फेम के, ऐसी प्रसिद्धि जो कभी खत्म ना हो, मरे ना, क्या वो ऐसी प्रसिद्धि के महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। और वेदर एज सम हैव बीन फाउंड टू अवर ही वाज जस्ट ए मैन ऑफ बिजनेस हु हैपेंड टू बी एबल टू राइट बेटर देन एनीवन एल्स। देखो, ये यहाँ पे ये बोलना चाहता है, सीधी सी बात है कि जब तक शेक्सपियर अगर लगातार लिखता रहता मरते दम तक, एंड टाइम तक, तो लोग सोचते हाँ बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, उसको पता नहीं क्या प्राप्त करना था, ठीक है।
ये तो क्लियर हो जाता फिर तो, परंतु 47 की एज में बंद कर दिया, तो लोग अब जब तक ये पता नहीं चले क्यों बंद कर दिया, तो कैसे बता दें हम लोग की महत्वाकांक्षी था कि नहीं था, क्या उसे ऐसी महत्वाकांक्षा थी कि जिससे वो अमर हो जाए, तो वो महत्वाकांक्षा का पता कैसे चलेगा, कोई उसने लिखना बंद कर दिया इसका मतलब, तुम क्या पता महत्वाकांक्षी ना हो, इसलिए अगर लगातार लिखता रहता तो सोचते ही क्या पता बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होगी, कितनी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करनी होगी, अमर होना होगा बिल्कुल ही, इसलिए लिखता ही रहा अंत तक। तो वही चीज है कि ये चीज हम बता नहीं सकते, कुछ ऐसे लोग रहस्यमयी है उनकी, थे तो ये आम लोग, एवरेज मैन थे ये, एक आम औसत व्यक्ति था समाज का जो इतना सक्सेसफुल हुआ, तो उसके बारे में बोला कि एक औसत आदमी जो सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए समाज में अपने काम में, तो क्या वो एम्बिशियस होता है, बोले बोले कि इसका पता नहीं चलता एक्चुअल में। जैसे कुछ महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया उन्होंने, शेक्सपियर का उदाहरण दिया कि क्या पता वो एम्बिशियस था या नहीं, क्या पता जब तक ये ना पता चले उसने लिखना क्यों बंद कर दिया, है ना, क्या पता उसको अपने टारगेट मिल गए हों, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट में है, वो इस मत से मतलब अगेंस्ट में, विलियम शेक्सपियर के बारे में कि उसको बहुत इमोर्टल फेम चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, वो सीधा सीधा बोलते हैं यार वो सीधा एक आम आदमी था जिसने अपना काम, जो मतलब अच्छा लिखता था, बाकी लोगों से बेटर लिखता था, बात सीधी सी बात है, वो हैपन टू बी एबल टू राइट बेटर देन एनीवन एल्स, वो दूसरों से बेटर लिखता था, इस तरह का व्यक्ति था, अपना काम किया चला गया, बात खत्म, वो एम्बिशियस था या नहीं था, जहां तक एम्बिशियस नहीं था मतलब ये दूसरा जो पॉइंट है ना वो ये दिखाता है कि वो कोई महत्वाकांक्षी वैसा व्यक्ति नहीं था, वो सिर्फ बेसिकली दूसरों से अच्छा लिखता था, उसने अपना काम किया लिखा, जिंदगी गुजर गई, खत्म हो गया, वो गुजर गया। ठीक है, व्हेन नेपोलियन वॉज ए मूडी एंड पेनीलेस यंग, जब नेपोलियन स्टार्टिंग में क्या था, मतलब नेपोलियन क्या था, मूडी व्यक्ति था बहुत ही, बार बार मूड चेंज होता था उसका, एंड पेनीलेस यंग लेफ्टिनेंट, और शुरू में बहुत गरीब था, यंग लेफ्टिनेंट ऑफ आर्टिलरी, आर्टिलरी में मिलिट्री में मतलब आर्मी के अंदर वो लेफ्टिनेंट था, एक बहुत जवान यार लेफ्टिनेंट जो कि गरीब था, जिसके पास पैसे नहीं थे और बहुत मूडी था, बार बार में उसके दिमाग में चीजें आइडिया चेंज होते रहते थे, मतलब मूड चेंज होता रहता था उसका। वी कैन नॉट टेल वेदर ही एवर ड्रीम्ड ऑफ हिज फ्यूचर कैरियर, हम नहीं कह सकते वो भविष्य में क्या बनेगा, उसने कभी सोचा भी होगा क्या, मतलब जब वो लेफ्टिनेंट था आर्मी में, आर्टिलरी में, तो क्या उसने कभी सोचा होगा कि फ्रांस का राजा बन जाएगा, एक तरह से पूरा लीडर बन जाएगा, क्या पता, हमें तो नहीं पता, मतलब आई डोंट, वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते ऐसा कि उसने ऐसा सोचा होगा क्या कभी। बट वेन ही फाउंड द बॉल एट हिज फीट ही डिटरमाइंड टू प्ले द गेम फॉर इट, फॉर ऑल इट वॉज वर्थ, परंतु हाँ जब उसको बॉल मिली उसके पैरों के पास में, तो उसने उस बॉल से बहुत ढंग से खेला, कहने का मतलब है जब उसको चांस मिला कि हाँ अब तो मेरे पास मौका है, मैं सत्ता हथिया सकता हूँ, मैं पूरा फ्रांस पे कब्जा कर सकता हूँ, मैं राज्य कर सकता हूँ, तो उसने पूरे मतलब मौके को दोनों हाथों से लपका, एक तरीके से ये बोल सकते हो कि वैन ही फाउंड द बॉल एट इज फीट, जब उसके पैरों के पास में गेंद मिली तो उसने दृढ़ निश्चय से गेम को खेला, फॉर ऑल इट वॉज वर्थ, क्योंकि क्यों खेला, क्योंकि वो खेलना भी उतना ही जरूरी था, उसने उस गेम को एंजॉय भी किया और फिर टारगेट भी अचीव किए, वो खेलना भी उतना आवश्यक था, अगर कोशिश नहीं करता तो मिलता ही नहीं टारगेट, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है ना, अगर प्रयास प्रयास ही नहीं करता तो वो कैसे कामयाब हो पाता, अगर वो सोचता कि यार ठीक है मौका तो है पर क्या पता फंस जाऊंगा, कैसे से लपड़ों फंस जाऊंगा, क्या पता वो राजा बन पाऊं नहीं बन पाऊं, क्या पता क्या हो जाए, मतलब दिमाग में डाउट्स होते, ट्राई नहीं करता तो फिर पहुंचता ही नहीं उस लेवल पे। ही न्यू वेल दैट इट वॉज यूनिक चांस, वो जानता था कि ये बहुत ही यूनिक चांस है, आई कुड नॉट रिप्लेस माई सेल्फ, ही सेड, उसने कहा था कि मैं खुद को रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मैं नहीं सोचता कि मेरी जगह कोई और हो सकता है, यानी मैं ही इस काम के लिए खुद को परफेक्ट मानता हूँ, बेस्ट मानता हूँ, मैं खुद को रिप्लेस नहीं कर सकता, मेरी जगह कोई और नहीं होगा, अगर मेरे से कोई बोला जाए तुम खुद की जगह किसी और को चूज कर लो लीडर बनने के लिए, तो मैं चूज नहीं कर सकता क्योंकि सबसे बेस्ट मैं ही मानता हूँ, खुद को ही मानता हूँ इस काम के लिए, तो आई कुड नॉट रिप्लेस माई सेल्फ। ठीक है, तो एक तरह से नेपोलियन एम्बिशियस था ये नहीं था ये कंफर्म नहीं है, परंतु हाँ उसको जब मौका मिला तो उसने पूरे दम से उस मौके को अपने हाथों में लपका और टारगेट को अचीव किया। तो ये चीज बोल रहे हैं कि गेम खेलना बहुत आवश्यक है और एंजॉय करना आवश्यक है, टारगेट मिले या ना मिले वो बाद की बात है, परंतु गेम को खेलना और गेम को गेम की भावना से खेलना बहुत आवश्यक है, जिससे आप उसे एंजॉय भी कर सके, अगर गेम को आप एक काम की तरह देखोगे ना तो आप एंजॉय नहीं करोगे, सीधी सी बात है। सम मैन आई इमेजिन डिसाइड क्वाइट अर्ली दैट दे मीन टू बी जज और बिशप, कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो काफी जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि उनको जज बनना है, कि बिशप बनना है, कि कैबिनेट मिनिस्टर बनना है, एंड ड्रिल देमसेल्व्स टू बिहेव ऑलवेज एज दैट काइंड ऑफ पर्सन ऑट टू बिहेव, और वो हमेशा खुद को प्रैक्टिस करते हैं कैसे उसी तरह से बिहेव करने की, उसी तरह से एक्ट करने की, मतलब अपना कैरेक्टर भी वैसे ढाल लेते हैं, हाँ मुझे मिनिस्टर बनना है, तो उसी तरह बातचीत करेंगे, उस तरह एक्शन करेंगे, अपने जीवन में वो आदत डाल लेंगे एक्चुअल में उस इंसान की जैसी जैसा वो बनना चाहते हैं,
ठीक हैबिट इज सेकंड नेचर, बिल्कुल सही बात है। राइटर बोल रहे हैं कि जो हैबिट है ना, आदत होती है ना, वो सेकंड नेचर होता है। प्राइम प्रथम फर्स्ट नेचर तो क्या होता है, हमारा जो नेचुरल नेचर है, जनजात जो हमें नेचर दिया है, प्रकृति जो मतलब हमारा कैरेक्टर है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा चरित्र है ना, वो तो फर्स्ट नेचर है। और सेकंड नेचर क्या है, हैबिट। आप किसी चीज की आदत डालना शुरू करते हो, धीरे धीरे वो आपका नेचर का पार्ट बन जाती है, तो वो सेकंड नेचर है। इट सून बिकम्स इजी टू देम टू कीप इट अप, धीरे धीरे वो जो हैबिट है ना उसके साथ में ढल जाते हैं। द फर्स्ट नेचर नेवर अपियर्स एक्सेप्ट व्हेन दे लूज देयर टेंपर, फॉल इन लव और गेट ड्रंक। और देखो कितनी गजब बात बोली है। और उनका जो फर्स्ट नेचर है, यानी जो प्राकृतिक नेचर है, स्वभाव है, वो जब तक बाहर नहीं आता, जब तक कि वो या तो गुस्से में हो, या फिर प्यार में पड़ जाए, या फिर बहुत ज्यादा दारू पी ली उन्होंने, ड्रंक हो गए, यानी कि हैबिट ऐसा रूप ले लेती है उनके फर्स्ट नेचर के ऊपर में, है ना, उनकी जो प्राकृतिक जो उनका स्वभाव है उसके ऊपर हैबिट सेकंड नेचर बन जाती है। आप धीरे धीरे कोई चीज की एक्टिंग करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आप उसका ही जीवन जीना शुरू कर देते हो, है ना। आपने कोई आदत डाल ली है, धीरे धीरे वो आदत आपकी चरित्र का भाग बन जाती है, परंतु वो इतना अच्छा भाग बन जाती है कि आपका जो फर्स्ट नेचर है ना वो दब जाता है उस आदत के सामने। परंतु वो फर्स्ट नेचर निकल के कब आता है सामने, जब या तो आप अपना गुस्सा आपा खो देते हो, जैसे आपा होते हैं इंसान की रियल कैरेक्टर बाहर आ जाता है, या फॉल इन लव या प्यार में पड़ जाओ, तब आपका रियल कैरेक्टर बाहर आ जाएगा, वो हैबिट हट जाएगी और रियल कैरेक्टर दिखेगा। या फिर आप दारू पी लो, आप होश में नहीं रहोगे ना, तब इंसान सब उगल देता है, उसका रियल कैरेक्टर बाहर आ जाता है, वो हैबिट होती है ना वो भूल जाता है उस वक्त, समझ गए। मतलब हैबिट इंसान का सेकंड नेचर बन जाती है और वो फर्स्ट नेचर को दबा देती है। परंतु जब आप ड्रंक हो, दारू पी रखी हो, प्यार में पड़ जाए, या फिर आप गुस्से में आपा खो दें, तब जाके आप आपका फर्स्ट नेचर वापस उजागर हो जाता है सामने, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। लॉर्ड हेल्डेन इन हिज ऑटोबायोग्राफी सेज, लॉर्ड हेल्डेन ने कहा था एक बार अपनी ऑटोबायोग्राफी में, दैट इन हिज एक्सपीरियंस मैन हु परसिस्टेंटली डिमांड थिंग्स फॉर देमसेल्व्स जनरली एंड बाय गेटिंग देम। कि भाई लॉर्ड हेल्डेन ने कहा था कि उनका अनुभव यह है कि जो व्यक्ति लगातार जिद्दी पने से लगा रहे, यानी जिद्दी बना रहे और चीजों की डिमांड करता रहे, मतलब जो चीज उसको पानी है उनकी लगातार कोशिश करता रहे, डिमांड करता रहे ना, वो एट द एंड ऑफ द टाइम उनको पा ही लेता है। आई डू नॉट थिंक दैट आई हैव फाउंड इट सो इन माई प्रोफेशन। तो लॉर्ड हेल्डन एक्चुअल में खुद क्या थे, पादरी वगैरह थे, हाई लेवल के पादरी थे, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता कि ये चीज मेरे प्रोफेशन में लागू होती है, मतलब मैंने मेरे प्रोफेशन में ऐसा नहीं पाया है। क्या बोल रहे हैं, देखो आगे, देर आर सम क्लर्जीमैन हु आर ऑलवेज सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है, ये एक्चुअल में जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहता है ना, वो जगह है वहां पर इंग्लैंड में, ठीक है। तो बोल रहे कि मेरे कुछ ऐसे पादरी लोग हैं हमारे काम में, हमारे प्रोफेशन में कुछ ऐसे पादरी हैं जो हमेशा बैठे मिलेंगे आपको नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट की सीढ़ियों पे। कहने का मतलब है वहीं चक्कर काटते रहते हैं प्रधानमंत्री के आसपास, अपनी पहुंच स्टैब्लिश करने के लिए, जुगाड़ बैठाने के लिए। दे आस्क फॉर एवरीथिंग दैट कम्स अलोंग, वो हर चीज की मांग करते रहते हैं वहां पे। हाउ दीज थिंग्स लीक आउट आई डू नॉट नो, बट दे ऑलवेज डू लीक आउट। मुझे नहीं पता ये चीजें कैसे बाहर आती हैं कि कुछ पादरी वहां पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री से सिफारिश लगवाते हैं, मंत्रियों से सिफारिश लगवाते हैं, परंतु ये चीज हमेशा लीक होकर मेरे सामने आई जाती है, मुझे सुनने को मिलती रहती है। मतलब मुझे नहीं पता कैसे लीक होती है, परंतु मेरे को सुनने को मिल जाती है ऐसी चीजें। अ फ्यू ऑफ देम गेट मेड बिशप्स, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिशप बन जाते हैं, मतलब पादरी से बिशप ऊंचा पद होता है, मतलब क्लर्जी मैन में बहुत सारी हायर की होती पोस्ट होती है, बिशप्स होते हैं और भी कुछ होते हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पद होते हैं पादरियों के, तो कुछ तो जुगाड़ बैठा के बिशप बन जाते हैं, ठीक है। नॉट वेरी गुड बिशप्स, वो इतने अच्छे बिशप नहीं बनते, ऑब्वियसली बात है, टैलेंट से थोड़ी बनते हैं, जुगाड़ से बनते हैं, तो इतने अच्छे बिशप तो बनते नहीं है एज ए रूल, बट मोस्ट ऑफ देम आर सॉर्ड एंड डिसअपॉइंटेड। परंतु अधिकतर लोग जो वहां जुगाड़ बैठाने जाते हैं ना, वो खट्टे मन से निराश वापस आ जाते हैं। एंड द लार्ज मेजोरिटी ऑफ बिशप्स हैव नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग, क्योंकि देखो सबकी इच्छाएं थोड़ी पूरी होंगी, कुछ का जुगाड़ बैठ जाता है वो बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं, ठीक है। डिमांड दोनों ने की होती है, ट्राई दोनों ने किया होता है, पर सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ बिशप्स हैव नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग, अधिकतर जो बिशप्स है ना उन्होंने कभी भी कुछ नहीं मांगा। दो दे मे हैव गॉन इनटू ट्रेनिंग फॉर द मिथ्रेस विच वर एट द लास्ट टू ड्रॉप ऑन देयर हेड्स, हाँ वो अलग बात है, उन्होंने मित्रेस की ट्रेनिंग की। मित्रेस एक्चुअल में एक टोपी होती है, बिशप्स के ऊपर एक ऐसी टोपी होगी कुछ इस तरह की, यूं करके आपने कभी देखी हो ना, इस तरह की टोपी होती है, मतलब जो पादरियों के बड़े बड़े पादरी होते हैं ना वो पहनते हैं, आप अक्सर गूगल पे सर्च कर देखना मित्रेज क्या होता है, इस तरह की टोपी होती है ना। तो ट्रेनिंग फॉर मित्रेज मतलब बिशप बनने की ट्रेनिंग, मित्रेज यहाँ पर एक सिंबल है ना, तो बिशप बनने की ट्रेनिंग उन्होंने भी की होती है, यानी कि जुगाड़ तो कोशिश तो उन्होंने भी की होती है बेसिकली कि हमको बिशप बनना है, चाहे जुगाड़ किया हो या मेहनत की हो, परंतु वो इतनी डिमांड नहीं रखते कि हमको वो बनना है वो बनना है, परंतु एट द एंड में मतलब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट आई डू नॉट थिंक देर इज टू मच एम्बिशन अमंग द क्लर्जी, परंतु मुझे नहीं लगता कि
क्लर्जी पादरी जो वर्ग है ना उसमें इतना ज्यादा कोई महत्वाकांक्षा होती है। वो उदाहरण जो अभी दिया है ना यही है कि बिशप बनना था, बहुत से लोगों को बन भी गए, उन्होंने कोई कहीं किसी से मांग मांग भी नहीं करी, बेसिकली खुद की मेहनत पे बन गए, परंतु वो कभी एम्बिशियस नहीं थे इतने कि भाई हमको बिशप ही बनना है या कुछ और ऊंचा पद प्राप्त करना है क्लर्जी में। तो उसी का बोल रहा है वो, खुद के प्रोफेशन की बोल रहा है एक्चुअल में, लॉर्ड हेल्डेन की, भाई हमारे प्रोफेशन में तो मैंने नहीं देखा कि इतने एम्बिशियस लोग मिलेंगे, क्लर्जी लोग इतने महत्वाकांक्षी होते नहीं है, कुछ जुगाड़ बैठा के बन जाते हैं, अधिकतर निराश होते हैं, उनके जुगाड़ बैठता नहीं है, बहुत से बिशप खुद भी बन जाते हैं मेहनत से, परंतु वो इतने महत्वाकांक्षी थे नहीं कभी। द मिनिस्ट्री ऑफ चर्च डज नॉट नाउ अट्रैक्ट मैन ऑफ दिस टाइप। तो बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ चर्च, चर्च का जो मंत्रालय है ना भाई, उसमें ऐसे लोग आते नहीं एक्चुअल में, कैसे एम्बिशियस लोग, महत्वाकांक्षी लोग आते ही नहीं वहाँ। अ सेंस ऑफ ह्यूमर इज ए ग्रेट सेफगार्ड अगेंस्ट द डेंजर ऑफ होलसम एम्बिशन टर्निंग इनटू अ सोर एम्बिशन। अब देखो शिक्षा, एक और वापस वही शिक्षा लौट के आ रही है कि सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा हंसी मजाक का अगर तत्व हो ना, तो वो हंसी मजाक एक्चुअल में आपको ग्रेट सेफगार्ड, एक कवच की तरह काम करेगा अगेंस्ट द डेंजर ऑफ होलसम एम्बिशन टर्निंग इनटू सोर एम्बिशन। देखो किस खतरे के खिलाफ वो कवच की तरह काम करेगा, किस खतरे के खिलाफ, होलसम एम्बिशन पूरी तरह डूब जाने के खिलाफ, टर्निंग इनटू सोर एम्बिशन। यानी कि देखो ऐसा होता है, एम्बिशन आपकी महत्वाकांक्षा है, आपको कुछ बनना है, आप महत्वाकांक्षा को इतने ऊंचे लेवल पे ले जाते हैं होलसम एम्बिशन की, वो महत्वाकांक्षा अगर आपकी पूरी नहीं हो तो आप खट्टे मन से रह जाओगे, निराश हो जाओगे, आपके दिल में वो, दिल में वो बात हमेशा चुभती रहेगी, आप वो नहीं बन पाए, आप टर्निंग इनटू सोर एम्बिशन, वो खट्टा एम्बिशन हो जाएगा, यानी आपको निराश कर देगा ना, आपको चिड़चिड़ा बना देगा, वैसा वो एम्बिशन बन जाएगा अगर आपने उसको कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा लिया, मतलब इस तरह का आपने ले लिया कि भाई मुझे तो बनना है बनना है, आप दिन रात बस उसी के बारे में सोच रहे हो, इतना मतलब सोच रहे हो कि आप उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे, और जब वो आपको नहीं प्राप्त होता है तो आप एट दी एंड बहुत ज्यादा निराश हो जाते हो और आप खट्टे मन से रह जाते हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, जैसे कि लॉर्ड कर्जन हो गए, वो इतने प्राइम मिनिस्टर बनने के इच्छुक थे कि जब लास्ट में चीज नहीं मिली ना तो वो खट्टे मन के हो गए, बहुत निराश इरिटेटेड पर्सन हो गए, चिड़चिड़े व्यक्ति हो गए, और वही चीज स्टार्टिंग के कोटेशन में भी लिखी है जो था ना कि कुछ एम्बिशन मतलब कुछ फेम के लिए इतना ट्राई करते हैं कि हमको प्रसिद्धि प्राप्त करने की, उस काम में इतना डूब जाते हैं कि उसको एंजॉय नहीं कर पाते बेचारे। तो वही चीज कि अगर थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा आप उसको एंजॉय करने की कोशिश करोगे ना, तो वो जो एंजॉयमेंट है ना वो सेफ गार्ड की तरह काम करेगा, वो एक कवच की तरह काम करेगा उस खतरे के खिलाफ, जो खतरा आपके एम्बिशन को उस लेवल पे ले जाए कि वहां पे अगर आपको नाकामयाबी मिले तो आप निराश ना हो, समझे। फॉर आफ्टर ऑल आर नॉट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एम्बिशन रादर रिडिकुलस। देखो ये सेंटेंस कुछ गड़बड़ी है, पर देखो ऐसा होता है कि फॉर आफ्टर ऑल नॉट ऑब्जेक्ट्स एम्बिशन रादर रिडिकुलस, क्योंकि ऐसी चीजें वो एम्बिशन रहते नहीं है फिर एक्चुअल में, ऐसे जिसमें आप एंजॉय नहीं करते फिर मतलब उसको ऐसा सिर पे चढ़ा लेते हो, तो वो आपके लिए मतलब ये समझ लो बकवास हो जाता है, कुल मिला के आपका उसके बारे में सोचना भी बकवास हो जाता है। वो जो चीजें होती है ना वो एम्बिशन के लेवल से बाहर निकल जाती हैं, सीधी सी बात है। दैट्स द रिवॉर्ड डू नॉट गो टू द राइट पीपल एवरीबडी नोज। और देखो ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, जो इनाम होता है ना रिवॉर्ड, वो सही पर्सन के पास में नहीं जाता, ये सबको पता है। कोशिश बहुत लोग करते हैं कि मुझे वो प्राप्त करना है, सपोज मतलब कोई भी चीज प्राप्त करनी है, कोई भी टारगेट, क्रिकेटर बनना है मान लो, पर कुछ ऐसे जिन्होंने जुगाड़ बैठा लिया है और वो सिलेक्ट हो गए, कुछ ऐसे जो मेहनती लोग थे परंतु वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, या जो भी चीज है, फिर किस्मत या कुछ भी मान लो आप, परंतु सबको पता है कि बहुत बार इनाम जो होता है ना वो सही व्यक्तियों के पास में नहीं जाता, ये सबको पता है। एज सर विलियम हार्टकोर्ट सेड, एक बार सर विलियम हार्टकोर्ट ने कहा था कि सम गेट देम हु डू नॉट डिजर्व देम। कई बार ऐसे व्यक्तियों को चीजें मिल जाती हैं जो डिजर्व ही नहीं करते, जो लायक नहीं है उनको चीजें मिल जाती हैं, एंड अदर्स डिजर्व देम डू नॉट गेट देम, और जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिल पाती हैं। सो ऑन द होल ही एडेड जस्टिस इज डन। तो बोलते हैं कि एट द एंड जस्टिस हो ही जाता है, न्याय हो जाता है, कैसे, देखो इफ रियल जस्टिस विल वन डे बी डन, कि अगर मान लो सही में जस्टिस होना ही है ना, एक दिन होगा ही होगा, तो हमको ये अक्सर सिखाया जाता है, वी आर टॉट टू बिलीव, हमको ये सिखाया जाता है इस चीज में विश्वास करना कि भाई पेमेंट विल बी इन दिस वर्ल्ड करेंसी, विल नॉट बी इन दिस वर्ल्ड करेंसी, कि पेमेंट हमको इस वर्ल्ड की करेंसी में नहीं मिलेगी एक्चुअल में। वो जो पूरे जस्टिस वाला मैटर ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि देखो ठीक है, कुछ लोगों को चीजें मिल जाती हैं, कुछ को नहीं मिलती, ठीक है, ईमानदारी से मिली है तो बात ठीक है, कईयों को बेईमानी से चीजें मिल जाती हैं और उनकी वजह से ईमानदार लोगों की चीजें रह जाती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, अगर आप
आपने 1 रुपए का काम किया है, ठीक है, और आपको 2 रुपए मिले हैं, तो ये मान के चलो कि जो आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा मिला है ना, वो आपने किसी ऐसे व्यक्ति का छीन लिया जिसको 1 रुपया नहीं मिला है उसके काम के लिए। यानी आपने जुगाड़ बैठा के एक मेहनती व्यक्ति जिसने काम किया 1 रुपए के लिए, उसको रुपया नहीं मिला, उसका आपने ले लिया है। क्योंकि आपने 1 रुपए का काम किया परंतु आपको 2 मिले हैं, इसका मतलब है आपने किसी और की मेहनत छीन ली है। तो वही चीज है कि एट द एंड में क्या होता है, बैलेंस होता है, न्याय होता है, न्याय कर्मों के आधार पर। यहाँ कर्म की थ्योरी आ गई कि बहुत बार क्या होता है, हमको सिखाया जाता है कि कोई बात नहीं, मरने दो, उसको मिल गया तो मिल गया, तो मेरी भगवान देख रहा है ना, सब वही न्याय करेगा। हम ऐसा बोलते हैं ना, वही चीजें बोल रहे हैं कि जस्टिस होगा, रियल जस्टिस। तो बोल रहा है अगर रियल जस्टिस होगा ना, तो वो इनाम इस संसार में नहीं मिलेगा, वो फिर अगले जन्म में मिलेगा, वो इस संसार की करेंसी में नहीं मिलेगा, ये बोल रहा है। यानी कि हमको वो जो न्याय मिलेगा ना, तो वो इस संसार में तो नहीं मिलेगा, उसकी पेमेंट कहाँ मिलेगी, कहीं और मिलेगी, किसी और इस संसार की करेंसी में, इस संसार की मुद्रा में नहीं मिलेगी। यानी इस संसार में नहीं मिलेगी, वो किसी दूसरे जन्म में मिलेगी, कहने का मतलब ये है। तो हमको पेमेंट कहाँ मिलेगी, यानी उस न्याय कब मिलेगा, कोई दूसरे जन्म में, कर्म इस लाइफ में तो नहीं होगा, अगले मतलब उसका जो कर्म का जो कह सकते हैं जजमेंट, इस लाइफ में तो नहीं होगा, कोई और लाइफ में होगा। तो अक्सर हमको बोला था न्याय तो होगा परंतु कब, दूसरे जन्म में या कभी और होगा, इस जन्म में तो नहीं होगा। इन अनदर करेंसी परहैप्स इट इज मोर नियरली डन इवन नाउ देन वी फैंसी। तो वही बोल रहे हैं कि दूसरी करेंसी में एक्चुअल में ये न्याय होगा, मतलब कोई क्या पता दूसरे जन्म में होगा या किसी और तरीके से होगा, बात यह है। आवर एडवाइस टू दोज बिगनिंग द गेम ऑफ लाइफ मस्ट बी, हमारी जो सलाह होती है ना उन लोगों के लिए जो जिंदगी का खेल अभी शुरू कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, हमारी सलाह होनी चाहिए कि प्ले टू विन बट डोंट फॉरगेट दैट इट इज ओनली ए गेम, कि जीतने के लिए खेलो, कोई खेल मतलब गेम खेल रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो जीतने के लिए खेलो, परंतु डोंट फॉरगेट दैट इट इज ओनली ए गेम, परंतु ये मत भूलो कि ये सिर्फ गेम ही तो है। यानी मान लो देखो, जीतने के लिए खेलोगे तो जीतने की कोशिश करोगे तो जीतोगे भी, ठीक है, परंतु अगर मान लो नहीं भी जीते तो आपके मन में ये भी रहना चाहिए खेल ही था, कोई बात नहीं, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, खेल खेला तो सही, एंजॉय किया, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लूंगा, कोई और खेल खेल लूंगा, कोई और काम में जीत जाऊंगा। मतलब जब आप काम को खेल की तरह लोगे ना, तो ये होगा कि आप निराश नहीं हो पाओगे, ठीक है, कई बार थोड़ी सी निराशा होगी परंतु वैसी निराशा नहीं होगी कि सिर पे एम्बिशन को लेके बैठ गए हो और भाई ये बनना है और नहीं बन पाते हो तो फिर आप जिंदगी भर निराश हो जाते हो, आप खुद को मतलब आपका स्वभाव ही बदल जाता है, आप खट्टे हो जाते हैं मन से, आप बहुत निराश हो जाते हो, बहुत ज्यादा गुस्से वाले चिड़चिड़े हो जाते हो, वैसा नहीं होगा। आप देखो कोई बात नहीं, नहीं नहीं जीता, कोई बात नहीं, गेम तो खेला, मैंने एंजॉय किया, मैंने कुछ सीखा, मैंने यात्रा तय करी, मैंने कुछ सीखा, अब इस जो सीख लिए इससे मैं आगे बढ़ूंगा और कोई दूसरा काम कोशिश करूंगा और उसमें जीतने की कोशिश करूंगा, उसमें नहीं जीतूंगा कोई बात नहीं, कोई तीसरा काम कर लूंगा उसमें जीतने की कोशिश करूंगा। तो हमेशा जीतने के लिए खेलो, परंतु ये भी मत भूलो कि ये सिर्फ एक खेल ही है, इससे ज्यादा इसको मत मानो। एम्बिशन मे बी द सिन बाय विच द एंजल्स फॉल बट इट मैन अराइज। देखो एम्बिशन विद सिन, एम्बिशन एक पाप भी हो सकता है जिसके द्वारा एंजल्स गिरते हैं और आदमी खड़े होते हैं। देखो ये ऐसा क्यों कहा गया है, किसी ने पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की फेमस पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक पोयम है ना, उस पोयम में क्या होता है, भगवान एंजल मतलब भगवान है तो कुछ ऐसे एंजल्स होते हैं, कुछ ऐसे परी वगैरह होते हैं एंजल्स, जिनमें सेटन होता है एक मेन लीडर उनका, तो वो क्या करता है कुछ एंजल्स को भगवान के खिलाफ भड़का देता है, बोलता है ये भगवान है, ये खुद को इतना ताकतवर समझता है, सारी सत्ता खुद लेके बैठा हुआ है, हम लोग भी बहुत ताकतवर है, हम इसकी सत्ता को पलट देते हैं, चलो इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो वो भगवान के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और भगवान उन सबको जहन्नुम में पहुंचा देता है, नरक में, तो ऊपर से स्वर्ग से उनको नरक में फेंक देता है सारे एंजल्स को जो जो विद्रोह करते हैं। तो वही चीज है कि उनका एम्बिशन कुछ ज्यादा ही था, सेटन का एम्बिशन था भगवान बनना है ना, उन एंजल्स का एम्बिशन था कि हमको भगवान बनना है, परंतु कई बार एम्बिशन क्या बन जाता है, पाप बन जाता है, वो आपके लिए पाप बनता है। भगवान उनको ऐसे सजा दी कि वो एंजल्स को स्वर्ग से क्या फेंक दिया, नरक में फेंक दिया, एंजल्स फैल उनको नीचे फेंक दिया। तो ये उस चीज की बात कर रहा है कि एम्बिशन एक पाप भी बन जाता है जिससे एंजल्स तो गिर जाते हैं परंतु मैन अराइज, मैन खड़े होते हैं, क्योंकि इंसान को एम्बिशन जब तक नहीं मिलता ना तो वो आगे बढ़ता ही नहीं काम में। जब उसको एम्बिशन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ ये काम करना है, तब वो एनकरेज होगा, उसकी तरफ टारगेट सेट होगा, तभी जाके तो एनकरेज होगा, तभी उसको आगे बढ़ने की इच्छा होगी उसमें। तो आदमी तो ऊपर उठते हैं एम्बिशन से और एंजल्स नीचे गिर गए एम्बिशन से, ये चीज बताई जा रही है। लाइफ वुड बी वेरी डल विदाउट इट, एम्बिशन के बिना लाइफ कैसी हो जाएगी, डल, बोरिंग हो जाएगी। आपने अगर आपको पता ही नहीं आप जीवन क्यों जी रहे हो तो आप रोज पागल हो जाओगे, क्या करूं मैं जीवन में,
मतलब ये सोचोगे, बहुत बार ऐसा नहीं होता कि परीक्षा देके आए, एग्जाम देके आए, एग्जाम देने के बाद में, पहले जब जब तक एग्जाम चल रही थी आप रोज पढ़ रहे हैं, 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं एग्जाम से पहले तक, है ना, एग्जाम भी डेली खूब पढ़ लिया। जैसे एग्जाम खत्म हुई आप पहले तो, मतलब अगर आपके दिमाग में ये नहीं है कि मैं एग्जाम के बाद में क्या करूंगा, ये आपने नहीं सोचा है, तो आप क्या होगा, अचानक आप बोरियत फील करोगे, आपके पास दिन में करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, आप सोचेंगे क्या करूँ, एग्जाम भी खत्म हो गए, पढ़ने का तो कुछ है ही नहीं अभी, क्या करूँ, थोड़ी देर सो लोगे, फिर खड़े होगे, फिर कहीं इधर उधर भटकोगे, दोस्त के पास चले जाओ, कभी इधर घूमोगे उधर घूमोगे, मार्केट चले जाओगे, मतलब भटकते रहोगे, आपको समझ ही नहीं आया क्या करना है, बोर हो जाओगे बिल्कुल आप। तो वही है, लाइफ में अगर आपकी गोल नहीं है, एम्बिशन नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है ना कुछ अचीव करने की, तो आप बोर हो जाओगे, समझ गए, तो अपना ऐसे यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा, एक्चुअल में जो पूरा जो थीम है ना, एक्चुअल में इतने सारे उदाहरण दिए वो सब ठीक है, परंतु मेन थीम ये है कि इंसान को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, परंतु महत्वाकांक्षा इतने ही स्तर की हो, कितने स्तर की, कि जो सिर पे ना चढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, महत्वाकांक्षा इतनी होनी चाहिए कि हाँ मुझे वो प्राप्त करनी है, ठीक है, और आप उस महत्वाकांक्षा, आप उस काम को प्राप्त करने के लिए आप जो भी काम ट्राई करोगे ना, वो आप उसे खेल की तरह लोगे, गेम की तरह, कि हाँ मैं गेम की तरह मतलब लूंगा इसको, गेम की तरह खेलूंगा, गेम में आप एंजॉय करते हो ना, बिल्कुल वैसे आप उसे जीतने के लिए खेलोगे, आप उस काम को प्राप्त करने के लिए खेलोगे, परंतु अगर वो प्राप्त नहीं भी होता है ना, तो आप निराश नहीं होगे, क्योंकि आपने उस एम्बिशन को बिल्कुल सिर पे ऐसा नहीं चढ़ाया है कि पागल ही हो जाओ उसके पीछे, ठीक है, यही चीज बोल रहे हैं उनपे, लॉर्ड कर्जन का उन्होंने उदाहरण दिया। तो यानी काम को खेल की तरह लो, उसे जीतने की तरह, मतलब काम को जीतने के, मतलब जीतने के लिए खेलो, खेल को जीतने के लिए खेलो, परंतु उसको खेल ही समझो, एट द एंड ऑफ द डे नहीं जीतते हो तो कोई बात नहीं, खेल ही समझो उसको, कि खेल ही तो था, दोबारा खेल लेंगे, दोबारा ट्राई कर लेंगे। ओके समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, बाकी वीडियो बच्चों के साथ शेयर करना बाकी, क्योंकि मुझे लगता है ये एम्बिशन वाली जो ऐसी वाली वीडियो है ना, यूट्यूब पर कहीं है भी नहीं हो, तो बाकी बच्चों को शेयर कर देना, वो भी देख लेंगे, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में जल्दी मिलूंगा, टिल देन बाय बाय।